सोनभद्र में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो पूरा क्षेत्र गर्मी को लेकर तड़प रहा है और बिजली और पानी की किल्लत से जूझ रहा है। वहीं चोरों ने 33,000 वोल्टेज की 400 मीटर की तार काट दी, जिससे कुल 8 गांव की लाइट चली गई। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना इलाके में चलती हुई लाइन के समय चोरों ने 33,000 वोल्ट बिजली का लगभग 400 मीटर तार काट कर ले गए। ऐसे में कुल 8 गांव में अंधेरा छा। चोरों ने न सिर्फ तार काटा बल्कि पोल को भी तोड़कर नीचे गिरा दिया। बीना से कोटा सर्विस स्टेशन के लिए जाने वाली मुख्य लाइट के तार को काटकर चोरी की गई, जिसके बाद चार्ज पर मौजूद डिबुलगंज जेई द्वारा पुलिस के समेत मौके पर पहुंच गए। बिजली सप्लाई सुचारू रूप से करने और चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। चोरों द्वारा भी भारी मात्रा तार बंडल के रूप में झाड़ियों के बीच मिला। बता दें कि क्षेत्र में कबाड़ चोरों का आतंक व्याप्त है, जिसको लेकर जनता आक्रोशित है। रात 12 बजे के बाद से कलब चोर कलब तार को काटे हैं, 2-3 खम्भे तार काट के ले गए हैं। एक पोल भी गिरी है। पोल भी गिरा दिए हैं आरी से काट के। इससे 8 गांव की लाइट प्रभावित हुई है। FIR किया जाएगा, अज्ञात के नाम से कोई देखा तो नहीं है। अब प्रशासनिक कार्रवाई किया जाएगा।